हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स में आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस। ओके, सेल्फ प्रैक्टिस 1F का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। अ सबमरीन सबमर्ज एट अ डेप्थ ऑफ -15 मीटर डाइव्स 20 मीटर मोर, व्हाट इज़ द न्यू डेप्थ ऑफ दिस सबमरीन। ओके, एक सबमरीन है जो -15 मीटर की डेप्थ में डूबी हुई है और वो 20 मीटर डाइव करती है। ओके, तो सबमरीन की न्यू डेप्थ डेप्थ हमें निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले जो गिवन दिया है वो हम लिख देते हैं। गिवन दिया है डेप्थ ऑफ सबमरीन, ओके, डेप्थ कितनी दी है -15 मीटर एंड इट डाइव्स 20 मीटर मोर। ओके, तो 20 मीटर वो डाइव करती है, दैट मीन्स 20 मीटर और अंदर जा रही है वो, करेक्ट है, डेप्थ में जा रही है, डेप्थ में जा रही है दैट मीन्स नीचे जा रही है। ओके, क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज़ दी न्यू डेप्थ ऑफ द सबमरीन। ओके, सो न्यू डेप्थ हमें निकालनी है उसकी, न्यू डेप्थ ऑफ द सबमरीन इक्वल्स टू, ओके, पहले उसकी डेप्थ कितनी थी -15 मीटर। ओके, देन और कितने नीचे जा रही है वो 20 मीटर, करेक्ट है, -20 मीटर नीचे जा रही है। ओके, नीचे जा रही है दैट मीन्स वो निगेटिव में जाएगा, हमें इन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी, करेक्ट है, तो -15 प्लस -20 दोनों इंटीजर निगेटिव है तो नंबर्स के साथ एडिशन होगी, एडिशन कितनी आनी चाहिए इसकी -35। ओके, दैट मीन्स न्यू डेप्थ क्या रहेगी -35 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द टेम्परेचर वॉज -3 डिग्री सेल्सियस इन द मॉर्निंग एंड राइज बाय 10 डिग्री सेल्सियस बाय नून, व्हाट वॉज द टेम्परेचर एट नून। मॉर्निंग टेम्परेचर दिया है -3 डिग्री सेल्सियस एंड आफ्टरनून तक 10 डिग्री सेल्सियस से वो टेम्परेचर बढ़ता है, तो आफ्टरनून में टेम्परेचर कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले गिवन टर्म्स लिख लेते हैं। मॉर्निंग टेम्परेचर दिया है -3 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड राइज बाय 10 डिग्री सेल्सियस बाय नून। ओके, सो आफ्टरनून तक वो 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है। ओके, सो देयरफॉर द टेम्परेचर टेम्परेचर एट नून इक्वल्स टू, ओके, सो अब यहाँ पर हम देखेंगे मॉर्निंग में टेम्परेचर था -3 डिग्री सेल्सियस एंड आफ्टरनून तक वो 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है। ओके, तो 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है दैट मीन्स यहाँ साइन कौन सा यूज़ होगा, प्लस एडिशन होगी। ओके, सो -3 डिग्री सेल्सियस प्लस 10, ओके, तो -3 प्लस 10 करेंगे तो कितना आना चाहिए 7। फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव है, सेकंड इंटीजर पॉजिटिव है, तो आंसर रहेगा +7। तो दैट मीन्स आफ्टरनून में टेम्परेचर कितना रहेगा 7 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर इसे हम नंबर लाइन से अगर देखते हैं, ओके, तो एक नंबर लाइन में यहाँ ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, तो मॉर्निंग में टेम्परेचर था -3 डिग्री सेल्सियस देन आफ्टरनून तक वो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है। ओके, तो वो यहाँ से राइट हैंड डायरेक्शन में मूव करेगा 10 डिग्री सेल्सियस, तो काउंट करते हैं
ओके माइनस थ्री से 10 डिग्री सेल्सियस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दैट मीन्स आफ्टरनून तक वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 7 डिग्री सेल्सियस। ओके दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, अ सबमरीन एट -250 meters डाइव्स टू अ डेप्थ ऑफ 6 times इट्स इनिशियल डेप्थ, टू व्हाट डेप्थ डज द सबमरीन डाइव्स। एक सबमरीन की इनिशियल डेप्थ दी है -250 meters और वो अब उसकी इनिशियल डेप्थ से 6 times और अंदर जाती है, तो क्वेश्चन में बोला है व्हाट डेप्थ डज द सबमरीन डाइव्स, तो सबमरीन और कितनी डेप्थ में नीचे जाती है ये हमें फाइंड आउट करनी है। ओके सो सबसे पहले जो गिवन दिया है वो लिखेंगे, इनिशियल डेप्थ ऑफ सबमरीन, इनिशियल डेप्थ ऑफ सबमरीन कितनी दी है, -250 meters। ओके एंड फिर क्या बोला है, इट डाइव्स टू अ डेप्थ ऑफ सिक्स टाइम इट्स इनिशियल डेप्थ। ओके उसकी इनिशियल डेप्थ से वो 6 times और अंदर जाती है। ओके सो देयरफॉर क्वेश्चन में बोला है टू व्हाट डेप्थ डज द सबमरीन डाइव्स। ओके सो देयरफॉर सबमरीन्स न्यू डेप्थ, ओके इक्वल्स टू, ओके 6 times, 6 times मीन्स यहाँ पर टाइम्स अगर ये वर्ड आता है दैट मीन्स यहाँ हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। ओके 6 into, ओके उसकी इनिशियल डेप्थ कितनी है, -250 meters, सो मल्टीप्लाई करते हैं 6 into -250 करते हैं, सो 0, 6, 5 is 30, 3 carry, 6, 2 is 12 and 3 15, दैट इज अगर वो उसकी इनिशियल डेप्थ से 6 times अगर वो अंदर जाती है तो दैट मीन्स उसकी न्यू डेप्थ क्या होनी चाहिए, -1500 meters, इट डाइव्स टू अ -1500 meters। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, द टेम्परेचर एट 12 noon वॉज 10 degrees Celsius अबाउ ज़ीरो इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 degrees Celsius पर आर अंटिल midnight, एट what टाइम would द टेम्परेचर बी 8 degrees Celsius बिलो ज़ीरो, what would बी द टेम्परेचर एट midnight। दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर दिया है 10 degrees Celsius अबाउ ज़ीरो, ओके अबाउ ज़ीरो बोला है दैट मीन्स इट इज़ +10 degrees Celsius, और हर 1 hour में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 2 degrees Celsius से, ओके कम हो रहा है, तो हमें पूछा है कि कौन से टाइम पर टेम्परेचर -8 degrees Celsius होगा, दैट इज़ 8 degrees Celsius बिलो ज़ीरो होगा। ओके तो जो गिवन दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, टेम्परेचर एट 12 noon, ओके कितना दिया है, 10 degrees Celsius अबाउ ज़ीरो, ओके दैट इज़ ये +10 degrees Celsius होगा। ओके देन रेट ऑफ चेंज, ओके रेट ऑफ चेंज दिया है कितना, -2 degrees Celsius पर आर। -2 degrees Celsius क्यों कहा है, इट इज़ डिक्रीज मीन्स कम हो रहा है, कम हो रहा है दैट मीन्स माइनस का साइन आना चाहिए, इट इज़ डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 degrees Celsius पर आर, हर घंटे वो 2 degrees Celsius से कम हो रहा है। ओके तो
टोटल चेंज निकालते हैं। ओके, टोटल चेंज। अब टोटल चेंज कैसे आएगा, देखिए पहले वो 10 डिग्री सेल्सियस पे था, ओके, और देन कितना नीचे जा रहा है, अप टू 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। ओके, तो 8 डिग्री सेल्सियस तक वो नीचे जा रहा है, -8 डिग्री सेल्सियस, बिलो ज़ीरो का है तो निगेटिव में जाएगा, तो टोटल चेंज कितना हो रहा है, 18 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा है। ओके, ये क्लियर है क्या हुआ है। एक्चुअली 12 नून को टेम्परेचर कितना था, +10 डिग्री सेल्सियस, हर घंटे कितना चेंज हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो रहा है। ओके, -2 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो रहा है, तो टोटल चेंज अगर हम निकालते हैं, ओके, वो बिलो 8 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। ओके, तो टोटल चेंज हो रहा है कितना, 18 डिग्री सेल्सियस का। सो देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड, ओके, टाइम रिक्वायर्ड निकालते हैं, तो 18 डिवाइडेड बाय 2। ओके, क्योंकि हर 2 घंटे में, सॉरी, हर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। ओके, तो टोटल 8 डिग्री सेल्सियस का चेंज, 18 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा है, करेक्ट है, और हर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा है, करेक्ट है। तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो टोटल टाइम कितना लगने वाला है, 9 आवर्स। ओके, टोटल टाइम कितना लगने वाला है, 9 आवर्स। सो देयरफॉर अब 12 o'clock से स्टार्ट करते हैं, दोपहर के 12 बजे से 9 आवर्स काउंट करेंगे, तो कितना बजना चाहिए, नाइट के मीन्स 9 o'clock इन द नाइट। ओके, 9 PM, करेक्ट है, 12 o'clock से 9 PM, करेक्ट है, 9 आवर्स होते हैं, करेक्ट। सो एट 9 PM, एट 9 PM वुड द टेम्परेचर, वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। ओके, अगर मैं इसे नंबर लाइन से सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। देखिए इनिशियली 12 दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो, अबव ज़ीरो दैट मीन्स पॉजिटिव 10 रहेगा। यहाँ पर एट 12 o'clock टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन बोला है हर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है, कम हो रहा है दैट मीन्स पीछे जा रहा है, तो फर्स्ट 1 o'clock को टेम्परेचर होगा 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, देन 2 o'clock को टेम्परेचर होगा 6 डिग्री सेल्सियस, देन 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अप टू कहाँ तक जाना है हमें, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, तो बिलो ज़ीरो दैट मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस तक जाना है, तो दो दो इसका गैप ले लेते हैं और देन काउंट करते हैं। ओके, तो ये देखते हैं कितना आता है टोटल चेंज। ओके, यहाँ तक देखिए, तो सबसे पहले ये 12 o'clock है, ओके, 12 noon, ओके, दोपहर के 12 बजे, तो ये 1 o'clock, 1 PM, देन 2 PM, 3 PM को होगा 4 डिग्री सेल्सियस, देन 4 PM को होगा 2 डिग्री सेल्सियस, देन 0 डिग्री सेल्सियस, -2, -4, देन -6, देन -8। ओके, अब काउंट करते हुए चलो, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock एंड 9 o'clock, दैट मीन्स 9 o'clock, 9 PM को टेम्परेचर कितना होगा, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। ओके, देन इसी क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। अब मिडनाइट मींस क्या होना चाहिए, मिडनाइट मींस मॉर्निंग 12, ओके, दैट इज 12 AM, ओके, 12 AM, 12 noon से 12 AM, दैट मीन्स टोटल कितना रोटेशन होता है, एक कंप्लीट रोटेशन होता है, ओके, दैट मीन्स 12 आवर्स का ड्यूरेशन है, तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, तो ये हो गए कितने, 9 आवर्स, देन यहाँ से 10 आवर्स, देन 11 आवर्स, ठीक है, देन 12 आवर्स, ओके, कितने हो गए, 12 आवर्स, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -14 तक आएगा वो,
टू टू के गैप में, तो दैट मीन्स 12 आवर्स में टोटल टेम्परेचर कितना होना चाहिए था, मिडनाइट में टेम्परेचर होना चाहिए -14 डिग्री सेल्सियस। तो जो सेकेंड क्वेश्चन हमें पूछा है, वॉट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो आंसर क्या रहेगा, द टेम्परेचर एट मिडनाइट इज -14 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है, एट अ टारगेट शूटिंग स्टॉल इन अ फेयर, फॉर एवरी चांस अ पर्सन गॉट ही वॉज पेड ₹15 इफ ही हिट द टारगेट एंड वुड हैव टू पे ₹5 टू द स्टॉल कीपर फॉर एवरी शॉट ही मिस्ड। हाउ मच मनी डिड मनीष मेक्स इफ ही शॉट अ टोटल ऑफ 25 टाइम्स एंड मिस्ड 5 टाइम्स। ओके, अगर किसी पर्सन ने टारगेट को हिट किया तो उसे हर हिट पर ₹15 मिलते हैं, और अगर उसने टारगेट मिस किया तो उसे ₹5 पेड करने होते हैं। मनीष ने टोटल 25 टाइम्स टारगेट शॉट लिए है, उसमें से 5 टाइम्स उसने टारगेट मिस किया है। ओके, तो उसने टोटल कितना अमाउंट बनाया है वो हमें निकालना है। ओके, तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। ओके, तो फॉर एवरी सक्सेसफुल शॉट, ओके, कितने रुपीस मिलते हैं उसको, ₹15। फॉर एवरी सक्सेसफुल शॉट ही गॉट ₹15, एंड फॉर एवरी मिसिंग शॉट ही हैव टू पे ₹5। ओके, तो हर सक्सेसफुल शॉट के लिए उसको ₹15 मिलते हैं टू बी पेड। ओके, एंड हैव टू पे। ओके, हर सक्सेसफुल शॉट के लिए उसको ₹15 पेड किए जाते हैं, और हर मिसिंग शॉट के लिए उसे ₹5 देने पड़ते हैं। ओके, तो अब मनीष ने टोटल कितने शॉट लिए हैं, 25 शॉट्स। ओके, उसमें से 5 शॉट उसने मिस किए हैं, तो दैट मीन्स उसके सक्सेसफुल शॉट कितने हैं, 20, करेक्ट है। अगर 25 में से 5 शॉट उसने मिस किए हैं तो सक्सेसफुल शॉट कितने लिए होंगे उसने, 20। सो देयरफॉर मनीष सक्सेसफुल शॉट, ओके, कितने हैं, 20, एंड ही इज मिसिंग शॉट्स कितने हैं, 5। ओके, सो देयरफॉर मनीष मेक्स टोटल, ओके, अब मनीष ने टोटल कितना अमाउंट अर्न किया होगा, 20 मल्टीप्लाइड विथ 5। ओके, अब 20 मल्टीप्लाइड विथ 15, 20 मल्टीप्लाइड विथ 15 क्यों, बिकॉज उसने 20 सक्सेसफुल शॉट लिए हैं, और हर शॉट के लिए कितने रुपीज़ मिलते हैं, ₹15। तो 15 2 20 करेंगे तो कितना होता है, ₹300। दैट मीन्स उसे कितने रुपीज़ मिलने चाहिए, ₹300। एंड मनीष हैव टू पे, मनीष को टोटल कितने पे करने पड़ेंगे, 5 × 5, हर मिसिंग शॉट के लिए ₹5 पेड करने हैं। ओके, और उसने कितने शॉट मिस किए हैं, 5, तो ₹25 उसको पेड करने हैं। ओके, सो देयरफॉर टोटल 25 शॉट्स में से 20 शॉट्स उसने परफेक्टली हिट किए हैं, तो दैट मीन्स उसने ₹300 अर्न किए, और उसने 5 शॉट मिस किए, दैट इज़ उसने ₹25 लॉस हुए हैं उसको। ओके, सो देयरफॉर मनीष मेक्स 300 में, 300 में से हम ₹25 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ₹300 उसने अर्न किए थे उसमें से ₹25 क्या हो गए, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि वो उसको पेड करने हैं, रिटर्न करने हैं उसको, तो 300 में से 25 गए, तो दैट मीन्स कितना होता है, ₹275। दैट मीन्स टोटल मनीष ने कितने रुपीज़ बनाए हैं, ₹275।